स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ का जो अगला पद्यांश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का दोहा और साथ ही जो चौपाइयाँ हैं इनका हम आपको संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य रटना ना पड़े। यदि आप वीडियो को देख लेते हैं तो वादा है कि आपको संदर्भ काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहा क्या है, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो पुलकी गात बोले वचने चरण चापि ब्रह्मांडो। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में और कैसे लिखेंगे आप व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, क्योंकि जो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता है वह 6 अंकों का आता है। तो चलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, और इस वीडियो में मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगा संदर्भ लिखने का तरीका, आप सेम यही तरीके से इस पाठ के यानी धनुष भंग शीर्षक पाठ के कोई भी पद्यांश का आप संदर्भ लिख सकते हैं, सेम ऐसा ही संदर्भ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्यांश के प्रथम के शब्दों को, यहाँ पर मैंने प्रथम के शब्दों को ब्लैक पेन से लिख रखा है और अंतिम के शब्दों को ब्लैक पेन से इसी तरह से लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है और यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है और यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो पुलकी गात बोले वचने चरण चापि ब्रह्मांडु। जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं और तब लखन ने अर्थात लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो। जब इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है, लखन लख्यो लक्ष्मण जी ने देखा रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो, उन्होंने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को ताका है अर्थात देखा है, पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड, तो वे शरीर से पुलकित हो उठे और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्न वचन बोले अर्थात इस प्रकार कहा, क्या कहा कि दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला धरहु धरनी धरी धीर न डोला। क्या कहा लक्ष्मण जी ने, दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, हे दिग्गजो हे कच्छप हे शेष हे वाराह धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला। धीरज धरकर इस पृथ्वी को थामे रहो, क्यों, क्योंकि जिससे यह पृथ्वी हिलने न पावे, धरहु धरनी धरि धीर न डोला राम चहई शंकर धनु तोरा। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, होहु सजग सुनि आयसु मोरा, हो वो सजग सुनि आयुष मेरा, और मेरी यह आज्ञा है कि सब सावधान हो जाओ, और मेरी आज्ञा क्या है कि आप सभी सावधान हो जाओ, चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए,
चाप समीप राम जब आए, भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब क्या हुआ, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। राजा जनक के दरबार में उस समय जितने भी नर नारी थे, अर्थात जितने भी नर नारी यह चाह रहे थे कि सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हो, उन्होंने क्या किया, उन सभी नर नारियों ने अर्थात स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, सुर अर्थात देवताओं को, सुकृत अर्थात पुण्यों को मनाया कि हे मेरे देवताओं, जितने भी हम लोगों ने पुण्य किए हैं उन सभी का पुण्य का परिणाम अर्थात उन सभी के पुण्य का फल भगवान श्री रामचंद्र जी को दे दो। सब कर संसहु अरु अज्ञानु, सब कर संसहु अरु अज्ञानु अर्थात सबका संदेह और अज्ञान, सब कर संशय और अज्ञानु मंद मही पन कर अभिमानु, और नीच राजाओं का अभिमान, मंद महीपन कर अभिमानु और नीच राजाओं का अभिमान, और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुरी बरन केरी कदराई। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई अर्थात परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, और सुर मुनि बरन केरी कदराई, और क्या देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, और सिय कर सोच जनक पचितावा, सिय कर सोच जनक पछितावा अर्थात सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानिन का सारा दुख अर्थात जनक का जो पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख का दावा नल, और ये सभी संभुचाप बढ़ वो हितु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई अर्थात उस पर जा चढ़े, उस पर जा चढ़े, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कडहारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू अर्थात ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु चहत पारु नहीं को कडहारू, परंतु कोई केवट नहीं है अर्थात पार ले जाने वाला कोई केवट नहीं है। कहने का अर्थ है कि सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु, सबका संशय अर्थात सभी का संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। भृगुपति अर्थात परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय कर सोच सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप अर्थात उन्होंने सोचा कि मैंने जो ये प्रतिज्ञा ले ली है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, अब वह पछता रहे हैं, उनका पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण दुख का दावा नल, शंभुचाप बड़ बोहित पाई, शंभुचाप अर्थात ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाए सब संग बनाई, और सभी उस पर जाकर चढ़ बैठे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारु, और ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर चाहत पारु नहीं को कढ़ारू, परंतु कोई केवट नहीं है। तो इस पद्यांश की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, लखन लख्यो रघुवंश मनी
ताक्यो हरे को दंडो पुलकी गात बोले बचने चरण चापे ब्रह्मांडो। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, अर्थात देखा है लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडो, अर्थात रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है या देखा है, तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्न वचन बोले। क्या बोले? दिशिकुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरऊं धरनी धरि धीर न डोला। क्या बोले कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पावे। दिशिकुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरऊं धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया यशु मोरा। राम चाहई शंकर धनु तोरा, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और वो सजग सुनिया यशु मोरा, और आप लोग यह मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ कि भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप समीप राम जब आए, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब क्या हुआ? नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तब सब नर नारी अर्थात सभी स्त्री और पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। स्त्री और पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब कर संशयु अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सब कर संशयु अरु अज्ञानु, अर्थात सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, अर्थात परशुराम जी के गर्भ की गुरुता और देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुन दुख दावा। सिय कर सोच जनक पछितावा, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। ये सभी क्या हो रहे हैं? शंभु चाप बड़ बो हितु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, अर्थात ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उस पर जा चढ़े। चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़े हारु। राम बाहुबल सिंधु अपारु, अर्थात ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे या काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका क्या है? तो इस तरह से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और यदि आप काव्यगत सौंदर्य अच्छे से लिखेंगे तो आपके जो काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड अंक हैं वह भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है इस पद्यांश के द्वारा। राम और लक्ष्मण देवत्व के गुण थे, अर्थात उनमें देवताओं के गुण थे, इसी का थोड़ा सा आभास कराया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और अगला बिंदु है भाषा। तो इस पद्यांश की भाषा क्या है? अवधी भाषा है।
और अगला बिंदु क्या है, रस। तो यहां पर वीर रस है और शांत रस है। कौन सा रस है, वीर रस है और शांत रस है। और अगला बिंदु है छंद। तो यहां पर कौन सा छंद है, दोहा तथा चौपाई छंद है। दोहा कौन सा है, आपको मैंने बता भी दिया है कि यहां पर आप देख सकते हैं दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मनी ताक्यो हर को दंडु पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। और यहाँ से दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, ये जो है चौपाई है, इसलिए छंद में आप क्या लिखेंगे, दोहा तथा चौपाई छंद। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो यदि आप इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में संदर्भ लिखते हैं, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाने हैं। और यह जो पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यह मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें और साथ ही साथ अपनी नोट्स बनाते रहें, कमेंट कीजिए, पढ़ते रहें और मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।